कितनी अच्छी बात है, हाँ? उसकी तो सारी कमाई दाड़ों पे चली जाती है, बच्चे ठीक से स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या उन्हें आएगा? उन्हें तो अपनी परिवार की चिंता नहीं है, पर मुझे तो है। अरे बहन, बात तो तुम्हारी 16 आने से ही है। जो आदमी अपनी मेहनत की कमाई को दारू में उड़ाए उसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। पर बहन जरा सोचो, मर्द सुबह को जो घर से निकलता है तो दिन भर थका मरा, अगर सांझ को घर आए तो उसे इसका हाल चाल पूछो, पानी पिलाओ, तब जाकर समय देकर सलाम मशवरा किया करो। अरे दीदी, क्या सलाम मशवरा तो उससे की जाती है जो हाउस में हो। हाँ। वो तो दारू के नशे में इतना डूबे रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं रहता घर में है कि दारू का अड्डा पे है। अच्छा बहन, क्या करोगी? है तो वो तुम्हारा पति है ना? पति है तो क्या दीदी। अच्छा मंगली, अगर वो होश में होंगे तब तो बात करोगी ना? अरे दीदी, मैं पागल थोड़े ना हूँ, जब वो होश में होंगे तो मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है मंगली, आज करके देखना, मुझे कुछ काम है अभी मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी काम कर लेती हूँ। दूध वाला भी ना सुबह से परेशान करके रखा है। अरे खड़ा जल्दी दूध वाला यार। अरे आप है जी, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। चलिए अच्छा किए, जल्दी आ गए, काम से तो थकान हो ही जाती है। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये हम कोई सपना अपना तो नहीं देख रहे हैं? रोज रोज हमको चप्पले चप्पल मारती थी, आज इतना बढ़िया से बोल रही है। ये लीजिए जी पानी। कहे जी, हमसे कुछ कह रहे थे क्या? ना ना, मैं तो कुछ ऐसे ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे, जरा हमको भी तो बताइए। इसमें बता, अब मैं भी कितना बड़ा भागा हूँ जो इस सुंदर जैसे घर को एकदम नरक बना कर रख दिया है। ऐसे काहे बोल रहे हैं जी? अरे तो बोले नहीं तो क्या करें, ये दारू तो हमको एकदम बर्बाद करके रख दिया। तो छोड़ का ही नहीं देते हैं, हम तो कब से आपको बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए, पर आप माने तब ना। सही है कह रही है, अब समझ में आ गया है, अब दारू नहीं पियेंगे, अब छोड़ देंगे। सही है मैं ना? हाँ। तो हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेहनत की कमाई से घर चले और बाल बच्चा का भविष्य सुधरे, और क्या। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि घर के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन जानती है दुकान का काम जो है ना बहुत मुश्किल है। तो क्या समझते हैं जी, घर संभालना कोई आसान बात है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, घर का काम और दुकान का काम में तो जमीन आसमान का अंतर है। वो तो है ही, घर संभालना कोई बच्चों की काम नहीं है। अरे दुकान संभालना ज्यादा मुश्किल है समझी। आप जा सकते हैं वैसे, तो एक काम करो, जाओ तुम दुकान, हम घर देखते हैं। ऐसा बोल क्या करके रख दीजिएगा? हम घर में चूल्हा चौका बर्तन खाना पीना झाड़ू पोछा सब कर देंगे। देखते हैं दुकान, देखते कैसे जाओ ना, देखते हैं देखते हैं, हम घर देखेंगे। चली चले रे मंगली दुकान में, चली चले रे मंगली दुकान में, दुआ को चढ़ के मकान में, दुआ को चढ़ के मकान में, चली चले रे मंगली दुकान में, चली चले रे मंगली दुकान में, दुआ को चढ़ के मकान में, दुआ को चढ़ के मकान में। गंदा है दुकान, बाप रे बाप। कमाल है, दुकान में इतनी सारी चीजें पड़ी है फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो इधर रुक कर देख लेती हूँ। बुधवार काम मारो यार, देगा के लिए
सॉरी तार लेके आया हूँ आज बैर बैर के पिए ना हालत कर सी अब इन्हें कौन बुलाने लगा सारे कौन है जाकर देखते हैं अच्छा तो मेरे दुकान को शराब खुड़ी का अड्डा बना रखा है ठहर शराब अभी तेरे सारा मैं साथ आती हूँ अरे शराब भी कराओगे तो घर नहीं पहुँच पाओगे समझे तो तू ही मैंने तो इसे भगा दिया अब घर जाकर देखिए लाड साहब क्या कर रहे हैं आए हैं हम देखो देखो ये घर का बुरा हाल है देखो देखो ये घर का बुरा हाल है आटा पतला है और जली दाल है आटा पतला है और जली दाल है देखो देखो ये घर का बुरा हाल है देखो देखो ये घर का बुरा हाल है आटा पतला है और जली दाल है आटा पतला है और जली दाल है दुकान से तो क्या करके रखे हैं ना चूल्हा ना चौका ना साफ ना सफाई तब हम क्या करें ये चूल्हा है कि अब जलने का नाम नहीं ले रहा है जलाने आएगा तब ना ये आटा है कि कभी गीला हो जाता है कभी काढ़ा हो जाता है हम तो तंग हो गए एकदम इससे इसीलिए इधर गंदा करके रख दिए हम जब दुकान से तुम जी बोलते ऐसे ऐसे तुम गोल रोटी बनाती है देखो हम भारत का नक्शा बनाकर इंग्लैंड का नक्शा सब धार दिए खाइएगा आप ही जरल पक्कल देखिए हम तो कुछ बना के भी नहीं देंगे अच्छा ऐसा बात छोड़ो ना दुकान में कुछ आमदनी हुआ है कैसे मस्का लगा के बोल रहे हैं जरल पक्कल का बात बोले तो होगा नहीं पंजी बहुत तेज है बड़का हुआ है हम गए थे तो होगा नहीं क्या आमदनी बताइए तो और पता है कौन आया था हाँ हाँ कुछ बोलते हैं बोलिए अच्छा समझ गया जानती है उसमें हमें कुछ नहीं मैं सवेरे भोरे भोरे लेके आ जाता था लेके आ जाता था आज तो मार के भगाइए दिए हम उसको भगा दी उसको तो? अरे लेकिन वो माने तब ना अरे मानेगा कैसे नहीं मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया ना समझ गया क्या घूम के वो नहीं करेगा वो बोल देते हैं चलो कम से कम उससे पिंड तो छूटा तो क्या अच्छा सुनते हैं जी हम ना दुकान में ना कुछ ऐसा सामान देखे हैं जो आपको ना बाजार से लाते बहुत महंगा पड़ता होगा ना लीजिए तब महंगा पड़ता है तो उसको सस्ता कर देगी क्या महंगा पड़ता है ऐसे बुरे हैं तो बताएंगे भी नहीं चाहिए नहीं बताएंगे चाहिए अच्छा तो सुनो ना तो महंगा पड़ता है तो तुम क्या करेगी क्या करेगी ऐसे बुरे हैं तो कौन से नहीं बोलो बोलो क्या करेगी तुम आपको महंगा पड़ता होगा ना सर उसमें से तो कुछ सामान हम घर में भी बना सकते हैं सही में तो क्या अब वो जो गांव में जो समूह चलाती है महिलाएं लोग वो लोग से मिलकर बना सकते हैं अरे पागल तो तू अभी बता रही है तब इनसे मेरा सब पैसा ऐसे जा रहा है हाँ पागल हो तब इनसे वो बताए थे क्या लेकिन अब कोई बात होगा मेरे लिए मेरे लिए कोई काम होगा तो हमको बताइएगा ठीक है हाँ क्या हाँ ये वो काम तो है कौन का बोलिए ना जी रुको ना बताते हैं हम पहले सोचेंगे मेरा इज्जत का सवाल है बताए तो बोलिए ना ना पहले तुम बोलो किसी को ना बताएगी तो नहीं बताएंगे नहीं बताएगी हमको ना आपको ना नहीं लड़की के तरह काहे शर्मा रहे हैं हम बोलेंगे रुको पहले डर लगता है कि कहां से डर लगता है तुझे चुगल खोर एक नंबर के दारू पी के गिर गए थे सबको बोल दी थी तो सबको देखा था कि आप दारू पी के नल्ला में गिर गए थे तो हम कहाँ बता दिए सबको देखा था अच्छा ये बात नहीं बताएगी तो बताइएगा तब ना ये औरत पे भरोसा नहीं कर सकते हाँ जाइए